तो आज के वीडियो में हम लोग कांतारा मूवी का जो पार्ट टू आने वाला है उसका पोस्टर डिजाइन करेंगे। और इस पोस्टर पे मैंने जितने भी बैकग्राउंड और पीएनजी का यूज़ करूँगा उस सब का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखा हूँ, तो वहाँ से जाकर आसानी से डाउनलोड कर लेना। और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास पर जो बेल वाला आइकन है उसको ऑन करके ऑल पर सेट कर देना ज़रूर से, क्योंकि मैं इसी तरह का एडिटिंग का वीडियो लेकर आता हूँ। तो आप लोग सबसे पहले इस तरह का पोस्ट दे के फोटो को क्लिक कर लेना। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले अपने फ़ोन पे पिक्सआर्ट को ओपन कर लेंगे, तो खुद की जो इमेज है उसको ऐड कर लेंगे और नीचे के साइड जो बॉडी है हमारा उसको इरेज कर देंगे, क्योंकि अलग से बॉडी हम लोग ऐड करेंगे इस पोस्टर को बनाने के लिए। तो सभी का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखा हूँ, तो वहाँ से जाकर आसानी से डाउनलोड कर लेना। तो इस वाले बॉडी के जो पीएनजी है इसको अच्छे से अपने फेस के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं जल्दी से। तो नीचे के साइड जो हमारा पैर दिख रहा है उसको इरेज कर लेते हैं और बॉडी को एडजस्ट कर लेते हैं अपने फेस के हिसाब से। हल्का सा इरेज कर देंगे, है ना, हल्का सा, ताकि एडजस्ट हो सके हमारे फेस के साथ। तो यहाँ से डन कर लेंगे। तो सेकंड का जो काम है वो हमारा जो बाल है उसको रेडी करना होगा, और इसके लिए मैंने बहुत सारे पीएनजी का यूज़ किया हूँ। एक पीएनजी का यूज़ करने से नहीं होगा, तो आप लोग मतलब वीडियो पे बने रहे, मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग सिर्फ स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेना, ठीक है ना। तो अभी हम लोग अपने फेस पे दाढ़ी ऐड करेंगे, तो इसके लिए भी मैंने एक पीएनजी ऐड करूँगा, तो अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो ठीक है, तो हल्का सा सिर्फ इरेज कर लेंगे, मतलब पेंट कर लेंगे हल्का सा। पेंट करने से जो दाढ़ी है वो दिखने लगेगा हल्का हल्का, तो वही ठीक लगेगा अपने फ़ोटो के हिसाब से। आप लोग भी कर लेना आपको जितना ठीक लगे, आपको अगर ठीक लगे तो पूरा पेंट कर देना। तो अभी हम लोग दांत ऐड करेंगे, जो मतलब दादी मतलब जो मानव रहते थे पहले, तो उनका एक लुक रहता था ना, एक दांत के जैसा कान के साइड से निकलता था, तो वही हम दिखाएंगे अपने फ़ोटो पे। तो ऐड कर लेते हैं, इसको भी ठीक से एडजस्ट कर लेते हैं और हल्का सा इरेज कर देंगे, ताकि लगे कि हाँ बाल के अंदर से मतलब निकल रहा है ऐसा। तो अभी ठीक है, तो यहाँ से डन कर लेते। तो हमारा जो बाल के ऊपर एक चोटी हम लोग दिखाएँगे, तो उसको भी ऐड कर लेते हैं, अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये ठीक है, यहाँ से डन कर लेते हैं फ़ोटो को। हम लोग आँख के अंदर को जो एक नीला दिखाने की कोशिश करेंगे, तो ठीक से एडजस्ट कर लेते हैं दोनों आँखों पे ही। ऐड फोटो पे जाके हमारा जो खुद का फ़ोटो है उसको ऐड करेंगे, और हाथ ठीक सिर्फ हाथ लेंगे, क्योंकि हमारा जो मॉडल का हाथ है वो फुल नहीं है, तो इसीलिए हम खुद का हाथ यूज़ करेंगे। और बैकग्राउंड इरेज कर लेते हैं सबसे पहले, और एडजस्ट कर लेते हैं बैकग्राउंड इरेज करने के बाद, ठीक से एडजस्ट कर लेते हैं, उस हाथ के साथ हमारा मैच होना चाहिए हाथ, तो एडजस्ट कर लेते हैं फटाफट से। अभी ठीक है, तो यहाँ से डन कर लेते हैं फ़ोटो को, और हम मतलब हाथ पे एक रस्सी की तरह दिखाएंगे, क्योंकि ऑफिशियल पोस्टर पे भी ऐसा ही है, तो हम भी वहीं दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इसको कॉपी करके दूसरा भी एक ऐड करके मतलब और ऊपर के साइड जाना चाहिए, तो कॉपी करके फिर से एडजस्ट कर लेते हैं ठीक से। अभी ठीक है, तो इसको और एक बार कॉपी करेंगे और दूसरे हाथ पे भी सेम उसी तरीके से देंगे, तो जल्दी से कर लेते हैं। कर लेते हैं फ़ोटो को, और अभी हम लोग मतलब मूवी पे जो यूज़ किया है उसको ऐड कर लेंगे, पेंट कर देंगे इसके ऊपर, तो तभी रियल लगेगा। तो हल्के से पेंट कर देते हैं ऊपर, तो रियलिस्टिक दिखेगा। सेम दूसरे हाथ पे भी सेम उसी तरीके से करेंगे। तो अभी यहाँ से डन कर लेते हैं,
और पैन के लिए हम लोग मतलब अलग से PNG यूज़ करेंगे और ऊपर का साइड थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और इसके बाद हम अपने पैर के हिसाब से बॉडी के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं अच्छे से। अभी ठीक है तो इसको थोड़ा सा डार्क लुक देंगे, तो कलर ऐड करेंगे डार्क दिखाने के लिए। तो यहाँ से डन कर लेते हैं फ़ोटो को। और एक पट्टी का PNG लेंगे क्योंकि मतलब जो पैंट है पैंट के ऊपर मतलब रहता है ना, है ना, एक पट्टी के जैसा, तो उसका हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो एक पट्टी का PNG लेंगे, उसको भी अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। तो अभी ठीक है यहाँ से, और बाकी का जो एरिया है उसको इरेज कर देंगे। इसके बाद हथियार देंगे हाथ पे, जो मतलब ऑफिशियल पोस्टर है उससे मतलब इस PNG को मैंने कटआउट किया है ऑफिशियल पोस्टर से, तो उसको मतलब हाथ पे अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। दिखने में भी मतलब रियलिस्टिक ही लग रहा है, तो ऊपर के साइड इरेज कर देते हैं, जो हाथ के ऊपर आ रहा है एरिया उसको अच्छे से इरेज कर देते हैं। अभी ठीक है यहाँ से डन कर लेते हैं। अभी हाथ पे कड़ा पहनाएंगे, तो कड़ा को ऐड कर लेते हैं और अच्छे तरीके से मतलब अपने हाथ के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं ऊपर के लिए जो हमें नहीं लगे। तो अभी ठीक है, तो इसको और एक कॉपी कर लेंगे और डबल देंगे, तो उससे क्या होगा कि एक लुक अच्छा दिखेगा, बड़ा जैसा लगेगा। अभी यहाँ से फ़ोटो को सेव कर लेते हैं क्योंकि हमारा मॉडल जो है वो तैयार हो। अभी हम लोग हमारा जो बैकग्राउंड है उसको ऐड कर लेते हैं, और अभी हम लोग मॉडल को भी ऐड कर लेते हैं। तो अभी हम लोग ठीक से एडजस्ट कर लेते हैं बैकग्राउंड के हिसाब से अपने मॉडल को, तो एक साइड पे देंगे बड़ा करके। तो अभी ठीक है, तो यहाँ से डन कर लेंगे। और अभी हम लोग दूसरा बार मतलब बैकग्राउंड को ऐड करेंगे क्योंकि हमारा जो मतलब पैर और जो वो पट्टी है वो मतलब बैकग्राउंड जो पहाड़ का सीन है ना, तो वो उसके पीछे के टाइप मतलब जाना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पेंट कर देंगे हल्का सा। तो इससे क्या लगा गया कि वो मतलब हमारा जो मॉडल है वो पीछे खड़ा है और हमारा जो पहाड़ है वो सामने तरफ है ना, तो इसीलिए हम लोग पेंट कर देंगे अच्छे तरीके से। तो अभी ठीक है, अभी हम लोग मतलब ब्लड आर्ट करेंगे क्योंकि हमारा जो मतलब टेजर है तो और पोस्टर है उस पर मतलब दिखाया गया है कि मतलब पूरा बॉडी एकदम ब्लड से भरा हुआ है हमारा जो कैरेक्टर है कांतरा का, है ना। तो अभी हम लोग मतलब फुल बॉडी पे एकदम ब्लड ऐड करेंगे, तो फटाफट से कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा इग्नोर करना क्योंकि मेरा फ़ोन का जो स्क्रीन है वो घूम गया था और ठीक नहीं हो रहा था थोड़ी देर के लिए, तो इसीलिए छोटा हो गया। तो आप लोग यहाँ पे मतलब थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है ना। अभी हम लोग मूवी का जो नेम है उसको ऐड कर लेते हैं, फुल स्किन कर देंगे। तो अभी ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और ठीक से एडजस्ट कर लेते हैं। अभी हम लोग अपने फ़ोटो को लाइट रूम पर लेके चलते हैं। सबसे पहले हम अपने मॉडल को सिलेक्ट करेंगे और मॉडल पे कलर देंगे, उसके बाद हम लोग बैकग्राउंड पे कलर ऐड करेंगे। तो कलर ऐड कर लेते हैं अपने मॉडल पे सबसे पहले। तो अभी ठीक है, यहाँ से डन कर लेते हैं। अभी हम लोग अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद बैकग्राउंड पर कलर ऐड करेंगे। यहाँ से डन कर लेते हैं फ़ोटो को। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो फुल पोस्टर है उसको कलर ऐड करेंगे अभी।
उसके बाद हम लोग अभी विग्नेट पे जाएंगे, विग्नेट थोड़ा सा ऐड करेंगे। तो सभी प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा जो फाइनल पोस्टर है वो कुछ इस टाइप का दिखता है। और आप लोगों को पोस्टर कैसा लगा वो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना, और वीडियो को भी लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास पर जो बेल बेल आइकन है उसको भी ऑन करके ऑल पे सेट कर देना। और मैं इसी तरह का एडिटिंग का वीडियो लेकर आता हूँ, और आपका भी कोई अगर एडिटिंग का दोस्त है तो उसको भी वीडियो शेयर कर दो, ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।